दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई भी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है आसान नहीं है नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने की राय, बहुत सारे पेच आ रहे हैं इसमें। पदोन्नति को लेकर के भी पेच हैं और दूसरा पेच बीएड वाला मामला भी है कि ये भी एक चर्चाएं हैं निकल करके आ रही हैं कि बीएड बीटीसी का विवाद फिर से निकल करके आ सकता है। चूंकि नई सूची बनेगी, नई नियुक्तियाँ होंगी तो बीएड वालों को तो मौका नहीं मिलेगा। इस बात ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा है कि नई सूची अगर जारी होती है तो बीएड वाले कई शिक्षकों के सामने संकट आएगा, बीटीसी वाले उस पर आपत्ति उठाएंगे और वे कोर्ट जा सकते हैं। वजह यह है कि अब शिक्षक भर्ती के लिए बीएड नहीं सिर्फ बीटीसी ही अर्हता है, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 40% बीएड वाले हैं। ऐसे में आरक्षित वर्ग के वंचितों के लिए भी कोई लिस्ट तैयार की जाती है तो उसमें भी यही दिक्कत आएगी, बीएड वाले उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। अपील की तैयारी में नौकरी कर रहे हैं शिक्षक, नौकरी पा चुके आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर ली है। दोनों ने, देखिए, आरक्षित और अनारक्षित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर ली है। बीएड लीगल टीम से जुड़े अनारक्षित श्रेणी से नौकरी पाने वाले अखिलेश कुमार शुक्ल का कहना है कि अगर नई लिस्ट से उनकी नौकरी पर संकट आएगा तो वे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर बीच का रास्ता निकाल करके किसी को नौकरी मिलती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षित श्रेणी से नौकरी पाने वाले बीएड लीगल टीम के जयसिंह यादव कहते हैं कि नई मेरिट से नौकरी पाने वाले सभी शिक्षकों का नुकसान है, इसलिए उन्होंने कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर ली है। और वहीं पर लिखा है कि जयसिंह यादव बताते हैं कि सबसे पहले किसी भी गड़बड़ी के कारण वंचित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए, लेकिन नौकरी पा चुके शिक्षकों का अहित ना हो, इसके लिए एक यही रास्ता है कि सरकार सुपर न्यूमेरिक पोस्ट सृजित करे और उन पर वंचितों को नौकरी दे। इसके लिए कोर्ट से रजामंदी भी ले ली जाए। उधर शिक्षा विभाग के अफसर भी बीच का रास्ता निकालने के विकल्पों पर मंथन कर रहे हैं। वहीं पर इसको लेकर के ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शेड्यूल जारी करने को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर लें और जो नए छात्रों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों के महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पर लिखा मंगलवार बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद एक बार फिर अभ्यर्थियों की भीड़। सुबह 10 बजे निदेशालय पहुंची, अभ्यर्थियों ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी होने तक उनका धरना जारी रहेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, परिणाम आया तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। अब कोर्ट ने अभ्यर्थियों के हक में फैसला दे दिया है, लेकिन सरकार हीला हवाली कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक शेड्यूल की जानकारी नहीं मिलती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और जानकारी मिली है कि कल शायद इन को रात में हटाया गया है। वहीं पर एक अन्य समाचार पत्र में लिखा हुआ है परिषदीय स्कूलों में होगी 85,000 शिक्षकों की भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बाद शुरू हुई तैयारी। राज्य के परिषदीय स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश ने 85,000 से अधिक खाली पड़े पदों पर भी नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। 4 साल से टीईटी पास लाखों अभ्यर्थियों को ठप पड़ी सुपर टीईटी परीक्षा का इंतजार है। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 2017 से अब तक मात्र 1,26,371 शिक्षकों की नियुक्ति की है और हाई कोर्ट में 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विवाद पर कानूनी दांवपेच फंसने के बाद नियुक्तियाँ रुक गई थी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के मुताबिक स्कूलों में कुल 4,17,886 पद स्वीकृत हैं और इसके सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85,152 पद खाली हैं। वे अंशकालिक अनुदेशक शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों को मिलाकर के वर्तमान में कुल 6,28,915 शिक्षकों का दावा करते हुए बेसिक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का अनुपात, वही जो नोटिस जारी हुई थी। मगर अब हाईकोर्ट में विवाद खत्म होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की अटकलों को खारिज करने के बाद काम चलाऊ व्यवस्था की जगह एक नए शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इसके लिए यूपी टीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को सुपर टीईटी की परीक्षा देनी होगी। राज्य सरकार नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बीएड करने वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर रखेगी, यानी बीएड करने वाले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ बीटीसी बीएसटीसी और डीएलएड करने वाले ही प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनेंगे। तो देखते हैं ये गुस्सा शांत करने के लिए, चूंकि सरकार की 69,000 शिक्षक भर्ती में इसमें थोड़ा सा छीछा लेतर हो रही है, उसको मैनेज करने के लिए
ये केवल खबर छपवाई गई है या वास्तव में भर्ती आएगी? हालांकि चर्चाएं तो हैं नई भर्ती को लेकर के। अभी दो तीन गुड न्यूज आई हैं इस महीने। एक तो ये कि विद्यार्थियों का एक दल मिला था उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी से, तो उन्होंने भी कहा था कि हम एक भर्ती देंगे, चलिए। उसके बाद में एक दल जो है मिला था शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने भी कहा था हम एक भर्ती देंगे, ये नहीं बताएंगे कितने पदों पर, जब डीएलएड के रजत सिंह वगैरह मिले थे। और उसके बाद में एक भास्कर समाचार ने एक न्यूज़ निकाली थी जिसमें ये बताया, अलग अलग विभागों का विवरण दिया गया था और ये बताया गया था कि बेसिक में 45,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। रिक्त विभागों ने जब मुख्यमंत्री ने डिटेल मांगी थी सभी जगह से, तो ये बताया गया था। उसके बाद में ये एक अन्य समाचार पत्र है जिसमें ये कहा गया है कि 85,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, यानी कि 85,000 पद रिक्त हैं और नई भर्ती की तैयारी है। और तो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द से जल्द गठन हो और 69,000 भर्ती का मामला भी जल्द से जल्द समाप्त हो। हालांकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और देखने वाली बात होगी आखिरकार ये मामला कब समाप्त होता है। कर्जदार शिक्षकों पर बैंकों के टेढ़ी नगर की जो कल नोटिस जो वायरल हुई थी ना, कि जो भी शिक्षक चयनित हुए थे 69,000 में, जिन पर तलवार लटक रही है, जो बाउंड्री में है सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, उनके लिए एक कल नोटिस जारी हुई थी बांदा की तरफ से। हालांकि वो नोटिस शाम को वापस ले ली गई। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट को लेकर के कर्जदार शिक्षकों पर बैंकों की टेढ़ी नजर शुरू हो गई है। बांदा के जिला सहकारी बैंक के सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सभी शाखा प्रबंधकों को पत्र जारी करके निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट का आदेश के क्रम में मिल रही जानकारी संज्ञान लेकर के ऐसे शिक्षकों के खाते का परीक्षण करें, बैंक के धन की सुरक्षा में ध्यान में करते हुए वसूली कार्रवाई के साथ में ओडी लिमिट और व्यक्तिगत लोन का भुगतान न करें। तो अगर कोई 69,000 का शिक्षक ने कोई कार्ड वगैरह बनवाया है लोन का, तो अब उसको पैसे ना दें। ये वाला पत्र है, ये कल वायरल हो रहा था। यहाँ पर ये देखिए लिखा है जिसमें कि वसूली करना सुनिश्चित करें 100% खाता परीक्षण करें, ये और ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के था। ये देखिए लिखा 69,000, तो कल काफ़ी किरकिरी भी। उसके बाद में जो फिर बैंक कर्मियों को फटकार लगी है और ये जो नोटिस है वो वापस ले ली गई है। फटाफट अन्य खबरें देख लेते हैं। एसटीएफ के रडार पर 1541 नकल माफिया। आप लोगों को फिर याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें विभिन्न फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सही जानकारियां मिल सकें। 67 जिलों में से 23, 25, 30, 31 अगस्त को होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। नकल रोकने की पूरी तैयारी है। एसटीएफ के रडार पर 1541 नकल माफिया है। बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बसों में आज से ही मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दी गई है और लिखा है कि इन जिलों में सकुशल परीक्षा कराने के लिए हर जिले में 2 नोडल नियुक्त किए गए हैं। उसमें जिला प्रशासन के एडीएम और पुलिस के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। पिछले 25 दिनों से लगातार बोर्ड के टच में हैं। बोर्ड की ओर से हर जिले में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इनमें एसपी, एएसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। 4,00,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये आरक्षी पदों के लिए चयन के लिए 1154 केंद्र पर परीक्षा हो। वहीं पर पेपर से पहले ही खरीद फरोख्त की बात चल रही है, उसको लेकर के भर्ती बोर्ड ने एक सूचना जारी की है। कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कतिपय ठगों द्वारा अभ्यर्थियों से आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र पैसे लेकर उपलब्ध कराए जाने के झूठे दावे किए जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा इस प्रकार की समस्त सूचनाओं पर एसटीएफ के माध्यम से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहता है कि परीक्षा को पूर्ण शुचिता से कराने हेतु कटिबद्ध है। तो कोई पेपर बेचे, पेपर खरीदे तो विश्वास मत करिए, सब फर्जी है। और दूसरी बात, पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, आप लोग वहाँ पर बता भी सकते हैं और सरकार का पुलिस विभाग का सहयोग भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है पीसीएसजे में, जो परिणाम बदला है कापियों की अदला बदली के बाद। लिखा है कि न्यायिक सेवा सिविल जज मुख्य परीक्षा 2022 का संशोधित परिणाम 17 अगस्त को घोषित हुआ था। साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर रोल नंबर लिखे हुए हैं का साक्षात्कार 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय में प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि ये विद्यार्थी चयनित होते हैं या नहीं चयनित होते हैं फाइनल में। बेचारे यहाँ तक पहुँच तो गए हैं। और दूसरी बात ये देखना होगा कि पीसीएचजे की जो वैकेंसी आई थी, जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं जिनके नंबर कापियों की अदला बदली की वजह से बढ़े थे, उनको क्या निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा। यार कुछ भी निश्चित नहीं है, बताओ। पहले तो प्राइवेट नौकरी में लगता था कि जॉब सिक्योरिटी वाली जो बात मैं कल कह रहा था कि निश्चित नहीं रहता है कि नौकरी कब चली जाए, और यहाँ पर सरकारी नौकरियों का भी यही हाल है। कब बीएड वाले निकाल दिए जाएँ, कब शिक्षा मित्र निकाल दिए जाएँ, कब जनरल वाले निकाल दिए जाएँ, कब ये जज साहब निकाल दिए जाएँ। और अभी पीसीएस सीबीआई अगर जाँच हुई होती ना, लोक सेवा की रिपोर्ट फाइनल आ गई होती, तो जाने कितने अधिकारी एसडीएम और डिप्टी एसपी वगैरह निकाले गए होते, लेकिन वो जांच कंप्लीट नहीं हुई। लेटरल एंट्री का जो विज्ञापन जारी हुआ था यूपीएससी के द्वारा, उसको दबाव में आकर के केंद्र सरकार ने उसको वापस ले लिया है और कहा यह गया कि संशोधन के बाद दोबारा विज्ञापन निकाला जाएगा। सरकार ने बदला निर्णय, फिर जारी होगा विज्ञापन।
सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का सम्मान होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र में लिखा, पीएम मोदी को विश्वास है कि लेटरल एंट्री में न सिर्फ संविधान में निहित समानता सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का सम्मान किया जाना चाहिए बल्कि विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसे व्यापक पूर्व मूल्यांकन के बाद किया फैसला बताते हुए इसके लिए ज्यादातर नियुक्तियां एडहॉक स्तर पर 2014 से पहले ही की गई थी, तो वो एडहॉक पर थी। इसके पहले भी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, लेकिन वो दूसरे तरीके से होता था। मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया, मनमोहन सिंह, वर्गीज कुरियन, बहुत सारे लंबी लिस्ट है, बहुत सारे नाम हैं। किसी निजी क्षेत्र के विद्वान को सचिव, संयुक्त सचिव स्तर का जो पद है वो दिया जाता है, और अगर आरक्षण का नियमों का पालन किया जाता है और ये विज्ञापन लेटरल एंट्री से भी जो निजी क्षेत्र के लोगों को रखा जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको याद होगा नंदन नीलेकणी UADI आधार वाले इन्फोसिस के जो वो थे, और उनकी भी नियुक्ति इसी तरीके से सरकार ने की थी 2014 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, एक सीट पर 6 दावेदार हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय UG प्रवेश के लिए 39,407 अभ्यर्थियों ने जमा किया है पंजीकरण शुल्क। वहीं पर नीट UG को लेकर के भी सूचना दी गई है। विवादों के बाद में नीट UG 2024 UP कोटे की काउंसलिंग मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले दिन 150 अभ्यर्थियों के कागजात ऑनलाइन सत्यापित किए गए। फिर BPSC शिक्षक भर्ती की भी सूचना है। दूसरे राज्यों के शिक्षकों का 3 दिन में दे रिकॉर्ड। पहले व दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का मामला बताया गया कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने जो दूसरे राज्यों के हैं लेकिन उन्होंने कई तरीके के लाभ लिए हैं आरक्षण इत्यादि के, जिनको नहीं मिलना था और ये लाभ केवल उस राज्य के विद्यार्थी को ही मिलना था, यानी कि बिहार के विद्यार्थियों को ही मिलना था, और अगर इन्होंने कोई लाभ लिया है तो इनको निकाला जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो छात्र वो चिन्हित किए गए हैं उत्तर प्रदेश के जिनको आरक्षण का लाभ मिला है। लिखा, BPSC से नियुक्त सूबे के बाहर के शिक्षकों की खोज हो रही है। जिले में कितने शिक्षक सूबे से बाहर के हैं उनकी सूची के साथ ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया गया है। BPSC पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का यह मामला है। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के अंक में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था। विभिन्न जिलों में अंकों के पर छूट लेने का मामला सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में सूबे से बाहर के शिक्षकों का रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। काउंसलिंग के समय में भी दर्जन भर अभ्यर्थी हटाए गए थे, यहाँ पर देखिए लिखा है, और उन्होंने आरक्षण का लाभ लिया था। SSC JEE भर्ती पेपर 1 में 16,223 सफल विद्यार्थी, टीयर 1 का जो परिणाम है वो कल जारी हो गया है, जिसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। लिखा, पेपर 1 के प्रश्न पत्र और आंसर शीट के साथ अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल आंसर की 22 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों के अंक भी 22 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, दोनों के नंबर जारी हो जाएंगे तो विद्यार्थी अपना मूल्यांकन भी कर सकेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन 31 तक कर सकते हैं। पुलिस भर्ती में लिखा हुआ है, विधायक बेदीराम समेत 1541 अपराधी रडार पर हैं पुलिस की। उत्तर प्रदेश के जितने भी स्त्री शिक्षा माफिया हैं सारे के सारे जो माफिया सर्विलांस पर हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से याद दिला दूँ कि पूरा वीडियो देखा अगर लाइक ना किया तो लाइक भी कर दे।